तो क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डाइट में और हमारे मसल बिल्डिंग गोल्स को पूरा करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोटीन के बहुत ही सिंपल सोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, वो भी वेजिटेरियन तरीके से। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आई एम श्योर आपको इससे कोई वैल्यू मिलेगी। तो क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मसल ब्रेक डाउन होता है और मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं प्रोटीन सोर्सेज आपको दिखाऊं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मेनली मैं आपको दिखाऊंगा जो भी मैं मील्स खा रहा हूं उनमें कितना कितना प्रोटीन मैं ले रहा हूं, जिससे आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि फुल डे ऑफ ईटिंग में आप लोग क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं बीइंग अ वेजिटेरियन। ऑलराइट, तो फर्स्ट मील ऑफ द डे इसमें मैं खा रहा हूँ बेसन का चिल्ला, और इसको मेरी मम्मी ने बनाया, आप लोग खुद भी बना सकते हो। मैंने इसमें 70 ग्राम्स ऑफ बेसन यूज करा है, मुझे इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि बेसन के चिल्ले में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो मेरे लिए कंप्लीट ब्रेकफास्ट सॉल्यूशन है और सबके घर में इजीली भी अवेलेबल होता है। सो फर्स्ट मील ऑफ द डे ये रही। अभी बच चुके हैं 11 और मेरा टाइम हो गया सत्तू पीने का। सत्तू क्या है, मैं सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बोलूं तो आपको बता देता हूं कि जो चने होते हैं उनको पीस के जो पाउडर बनता है, प्योर पाउडर जो होता है उनका, उसको सत्तू बोलते हैं। मैं सत्तू क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो यार एक प्रोटीन शेक की तरह काम करता है। ये मेरा 2 स्कूप डाल रहा हूं इसमें, 1 स्कूप, और मेरे को 100 ग्राम चाहिए क्योंकि 100 ग्राम सत्तू में होता है 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वेइंग मशीन का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं आपको भी एकदम एक्यूरेट चाहिए। 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो अगर आप एक कटोरी बड़ी वाली जो होती है वो भर के भी सत्तू ऐड कर लोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि आपने 100 ग्राम सत्तू ले लिया है। और बहुत ही सस्ता आता है, 150 तक का मुझे मिल गया था। मैं चैनल आके खुद भी इसके इसको बनाता हूँ, अभी अपना होममेड प्रोटीन शेक एंजॉय करूंगा एंड 20 ग्राम प्रोटीन अंदर। ऑलराइट, तो हो गई है दोपहर और मेरी हाई प्रोटीन मील रेडी है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मील मैं लेने वाला हूँ अभी आपको जो दिखाने वाला हूँ, इसमें आप लोग घर की बनी सब्जी या दाल थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं फ्लेवर्स के लिए, या फिर सीजनिंग्स ऐड कर सकते हैं। मैं प्लेन खा रहा हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट से इतने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मेरे पास राइस है और इसमें 60 ग्राम्स सोयाबीन है। सोयाबीन को 10 से 15 मिनट मैंने बॉयल किया है, इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और खाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगेन राइस एंड सोयाबीन, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन हेयर। तो बस अभी वर्कआउट करने जाने वाला हूँ और 40 मिनट्स बाद जाऊँगा, तो मैं अभी क्विकली लेने वाला हूँ अपना प्री वर्कआउट स्नैक। ड्रिंक है, अगेन वी आर गोइंग टू हैव सत्तू, ठंडा पानी ले लेता हूँ और मैं इससे सत्तू बनाऊँगा। तो प्री वर्कआउट में मैं सत्तू क्यों पी रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी दिखाया कि मैंने आज दिन में सत्तू पिया था प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन के लिए पीता हूँ मैं से। बट आप जानते हो कि अगर वर्कआउट करने जा रहे हैं अच्छे इंटेंस वर्कआउट के लिए, एनर्जी के लिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत भी है एंड सत्तू इज़ इक्वली गुड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। मेरे लिए तो अभी मैं सत्तू पी रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सत्तू पीता हूँ प्री वर्कआउट में। कभी कभी मैं दही और आलू भी ले लेता हूँ, कभी कभी मैं सैंडविच ले लेता हूँ पीनट बटर वाला और आटा ब्रेड होती है उसका। बट फॉर नाउ 20 ग्राम्स प्रोटीन इन विद कार्बोहाइड्रेट्स। ऑलराइट, तो मैं जस्ट अभी वर्कआउट खत्म करके आया हूँ और घर आके मैं अभी लेने वाला हूँ 1.5 स्कूप वे प्रोटीन का। मैं इस समय ये वाला वे प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं 1.5 स्कूप लूँगा, मुझे अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। तो पोस्ट वर्कआउट है इसलिए मैं साथ में एक बनाना भी ले लूँगा। वर्कआउट करके आया था, मैंने डायरेक्ट प्रोटीन इंटेक किया था, उसके बाद का मेरा सॉलिड मील है जिसमें मैं ले रहा हूँ राइस और पनीर। पनीर इसमें 100 ग्राम्स है तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 20-22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इसमें मिल जाएगा एंड यही मेरा डिनर होगा। इसके साथ मैं ग्रीन वेजिटेबल्स भी लूँगा, वो मैंने अभी दिखाया नहीं है, बट आप लोग भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर्स के लिए, अगेन सीजनिंग, और अगर कोई सब्जी बनी है घर पे तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। 20-22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हेयर। तो लास्ट में सोने से पहले डबल टोन मिल्क। रात को दूध क्यों, क्योंकि इसमें केसिन प्रोटीन होता है, रात भर धीरे धीरे ऑब्जर्व होएगा। और डबल टोन दूध इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ फुल क्रीम दूध से भी, इसमें एक तो फैट परसेंटेज कम होता है और वहीं प्रोटीन कंटेंट एकदम सेम होता है। सो इसमें मुझे मिल जाएगा अभी 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रात के लिए। तो आज के पूरे दिन में हमने 155 ग्राम्स प्लस प्रोटीन इंटेक किया। और अगर इस वीडियो को अभी भी आप देख रहे हो तो भाई आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।